हेलो एवरीवन, टुडे वी विल स्टार्ट योर न्यू टॉपिक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने दिया है? हेनरी मोजले ने पीरियोडिक टेबल दिया है। तो उसका क्या लॉ है? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। ये मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या होता है? द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर एंड नॉट ऑफ एटॉमिक मास। मीन्स कि जब हम किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर ज्ञात करते हैं तो वो एटॉमिक नंबर से ही हम उसका एटॉमिक वॉल्यूम निकालते हैं, एटॉमिक मास, जो कि एटॉमिक फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी उसकी एटॉमिक मास से ही डिपेंड होती है। तो आप देख रहे हो कि ये एक प्रकार की साइकिल बनती जा रही है। जब हम एटॉमिक मास निकालते हैं तो ये एटॉमिक वैल्यू पे डिपेंड करता है और एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करता है। मींस जो आपका एटॉमिक मास है वो इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। सो हेयर इंडिपेंडेंट कौन कौन सा होता है? एटॉमिक नंबर, मास और वॉल्यूम, ठीक। ये प्रॉपर्टी हम क्या ज्ञात करते हैं केमिस्ट्री में? केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी। तो जो हेनरी मोजले ने जो मॉडल आपको दिया था उससे आप क्या देख रहे हो? आप देख रहे हो कि हेनरी मोजले ने तीन को वर्कर के साथ मिलकर के, असिस्टेंट के साथ मिलकर के जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल है उसको डेवलप किया। तो आप मॉडर्न पीरियडिक में क्या देखेंगे? 7 पीरियड और 18 ग्रुप्स। अब आप आते हैं एलिमेंट्स में। कुछ एलिमेंट्स के हम नाम आपको दिखा रहे हैं जिसके पास केवल 1 इलेक्ट्रॉन है तो कॉन्फ़िगरेशन भी क्या होगा? KLMNO। KLMNO क्या होता है वो हम अभी आपको दिखा रहे हैं। कुछ आपको इलेक्ट्रॉन हीलियम के दिखाए जाएंगे, तो हीलियम में जैसे 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो उसका कॉन्फ़िगरेशन भी 2 होगा, तो किस पे जाएगा? K और L पे, ठीक। इलेक्ट्रॉन लिव इन सेल, सेल में क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो जो n होता है वो सदैव क्या होगा? जो n होगा वो n इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो n कभी 0 नहीं हो सकता। n या तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, लेकिन 0 कभी नहीं होगा। तो इलेक्ट्रॉन लिव इन सेल, सेल ऑर्बिट और सब सेल, ये सब ऑर्बिट हैं कि किसने बताए हैं? मोजले ने, कि ऑर्बिट होते हैं, सब सेल होते हैं, सब ऑर्बिट होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक। नेक्स्ट है आपका एटम, सेल, सब सेल, ऑर्बिट। तो कैसे ज्ञात करोगे? सेल मीन्स सेल को हम किससे शो करते हैं? स्मॉल लेटर n से। तो वो क्या होता है? KLMNOPQ 7 होते हैं, 7 सेल होते हैं। तो ये जो सब सेल होते हैं ये कौन होते हैं? SPDF। ये आपका ऑर्बिटल भी हो जाएगा। अब कैपेसिटी ऑफ सेल, एक सेल की कैपेसिटी कितनी होती है? तो K देख रहे हो 2 इलेक्ट्रॉन, LK 8 इलेक्ट्रॉन, MK 8 इलेक्ट्रॉन और NK 32 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह उसकी कॉन्फ़िगरेशन भी निकालेंगे और n जो प्रिंसिपल नंबर होता है वो भी हम ज्ञात करेंगे। प्रिंसिपल नंबर ज्ञात करने के लिए आपको एक फार्मूला है 2n² ये रूल से ही आप n को, सेल को ज्ञात कर सकते हैं। जैसे अगर n इजिकल टू 1 होगा तो 2 में 2n² n इजिकल टू 1 तो n का होल स्क्वायर हो जाएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। उसी तरह n इजिकल टू 2 के भी 2 × 4 इजिकल टू 8 इलेक्ट्रॉन, n इजिकल टू 3 तो 3 के स्क्वायर कर देंगे तो कितने हो जाएंगे? 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। n इजिकल टू 4 तो 2 × 4 स्क्वायर इजिकल टू 32 इलेक्ट्रॉन। इस तरह आपके SPDF में आप देख रहे हो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 1 × 10 इलेक्ट्रॉन, 1 × 14 इलेक्ट्रॉन। तो एनर्जी ऑर्डर आप कैसे याद करोगे? आप देख रहे हो के के बाद L होगा, L के बाद M, N, O, P, Q यहाँ तक होंगे। तो जो न्यू सेल होते हैं वो S सब सेल से स्टार्ट होते हैं। कैसे स्टार्ट होते हैं? जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर एलिमेंट्स, एटॉमिक नंबर, सेल कॉन्फ़िगरेशन, सब सेल। तो जैसे आपके ब्लॉक हैं, इसके बाद आपके नंबर हैं, एलिमेंट्स हैं। ये एलिमेंट्स आप कैसे ज्ञात कर रहे हो? हमने बताया आपको ग्रुप कितने होते हैं 18, पीरियड कितने होते हैं 7। तो इसको क्या बोलेंगे? लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल। ये क्या होगा? लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक। पी ब्लॉक
के एलिमेंट्स में आप कुछ इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स को देखेंगे कि मेटल कौन से होते हैं, नॉन मेटल कौन से होते हैं, मेटलॉइड कौन से होते हैं। तो जो नॉन मेटल होते हैं, ये पी ब्लॉक को हम कॉम्प्लेक्स ब्लॉक भी कहते हैं। तो मेटल कौन कौन से हैं, एल्युमिनियम, गैलियम, इंटेलियम, टीएल, एनएच, एसएन, पीबी, एफएल, फ्लोरीन। ऐसे ही आपके नॉन मेटल कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, सिलिकॉन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, टीएस। मेटलॉइड कौन कौन से होते हैं, बी, बोरान, सिलिकॉन, गैलियम, एस्टेटिन, टिन, टेलियम, पोलिनियम। ओके, तो अब आपके आते हैं कुछ एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स जो लैंथियोनाइड और एक्टिनॉइड कहलाते हैं। तो लैंथियोनाइड कौन से होते हैं, जो 4F के एलिमेंट्स हैं वो लैंथियोनाइड हैं, जो 5F के हैं वो एक्टिनॉइड हैं। तो लैंथेनम, एक्टिनियम, लैंथेनियम के बाद सेरियम आता है, फिर ल्यूटिनियम आता है। इस तरह के कुछ एलिमेंट्स हैं आपके ग्रुप में। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, वेरिएशन इन अ ग्रुप। ग्रुप में कौन कौन से वेरिएशन होते हैं, जैसे आप देख रहे हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। अब जो सबसे ऊपर है उसका हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी है, जो नीचे बढ़ता जा रहा है वो क्या है, लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी है। तो इसको हम कैसे दिखा सकते हैं, ये आपका आयनाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू एटॉमिक रेडियस। तो वन ये क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस। तो आयनाइजेशन एनर्जी जब बढ़ती है तो एटॉमिक रेडिएशन कम होता है, ठीक है ना। अब ये जो लिथियम है ये क्या बता रहा है आपका, लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी। लेकिन फ्लोरीन क्या दिखा रहा है आपका, हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी, जो कि स्टेबल है और नियॉन का बैलेंस प्राप्त कर ले रहा है। तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी, नियॉन की होगी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, अब हम आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये बता रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती क्या है। जब अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन आइसोलेटेड गैसियस एटम टू द एलिमेंट्स, तो क्या होगा। वैसे तो आपको प्रॉब्लम होती है, लेकिन आप देखो, आपको हम बहुत अच्छे एग्जाम्पल से बता रहे हैं कि सपोज आपकी आपकी बुआ, मासी, जिसको आप मानते हो, वो सपोज घर पे आई हैं। इसके बाद कुछ दिन तो आपके घर पे रुकी, तो आप अपने पढ़ाई में सब वर्क में बिजी थे, उनसे ज़्यादा बातें नहीं कर पाए। लेकिन जब वो जाने लगी तब आप आते हो उनके पास और सोचते हो कि अब मौसी जा रही हैं तो हमको कुछ ना कुछ पैसे देंगी। सपोज आपको पैसे दे भी दी, आप बहुत खुश हुए, एक्साइटेड है, वाह मुझे पैसे मिले। मीन्स कि जब आपको पैसे मिले और उससे जो आप एक्साइटेड थे, जो एनर्जी आप रिलीज़ किए हो, वो क्या हो गया आपका, पैसा एंथैल्पी। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगा, उसी तरह जैसे फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी एटम में आता है, ठीक, आने के बाद कुछ भी वर्क हुआ, एक इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रिलीज होती है। मींस कुछ एनर्जी, जैसे आप खुशी थे तो आप वाव बोले, एक्साइटेड हुए, नाचे गाए, खुश रहे, ये से जो एनर्जी आपकी रिलीज़ हो रही है, पॉजिटिव एनर्जी, उसी तरह से ये क्या होगी आपकी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रिलीज़ हो रही है। तो अब क्या होगा, आप जानते हो कि जो निगेटिव एटम आयन होते हैं वो रिपल करते हैं, लेकिन पॉजिटिव भी करते हैं। लेकिन पॉजिटिव होता है न्यूक्लियस में, तो माइनस और पॉजिटिव क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। अब इस तरह से आपको दिखाने के बाद आप समझ रहे हो कि ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किस में आपको दिखाई देगी, नियॉन में, ठीक है, कुछ ऐसे एलिमेंट्स में दिखाई देगी। तो क्वांटम नंबर पे आते हैं हम। क्वांटम नंबर, बोहर के अकॉर्डिंग एटम क्या है, एटम आपको क्या बता रहा है, एड्रेस। अगर पूछा जाए कि नीतू पांडे का घर कहाँ है, तो वो इंडिया में तो है कहीं पर, लेकिन कहाँ है, यूपी में। इस तरह का जो एड्रेस बताया जाता है, उसी तरह एटम का भी एक एड्रेस होता है कि वो किस प्लेस पे है, वो किस
21 एलिमेंट में उसका नंबर आता है, किस सेल में है, सब सेल में है। तो इस तरह को हम एड्रेस को ज्ञात करने के लिए हम बोहर के प्रिंसिपल का यूज़ करते हैं। उनका कौन कौन सा है? फर्स्ट है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हम एन से दिखाते हैं। एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसको एल से दिखाते हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एम स्मॉल एम से दिखाते हैं। स्पिन क्वांटम नंबर को हम एस से दिखाते हैं। ऐसे ही आपको दिखा रहे हैं हम कुछ न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। उसके चारों ओर कौन स्पिन कर रहा है? इलेक्ट्रॉन। ओके, सो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हो कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन को ज्ञात करने के लिए आपको एक चीज़ हमें पहले भी बता दिया कि ये क्या दिख बताता है हमें। टेल्स अस अबाउट द सेल नंबर, ये हमको सेल नंबर बताता है। तो एन क्या हो जाएगा? एन इजुकल टू 1, 2, 3, इनफाइनाइट कर दो। लेकिन जो एन होता है वो कभी भी जीरो नहीं होता है। ओके, एन की वैल्यू 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, इनफाइनाइट होगा, लेकिन कभी जीरो नहीं होगा। उसी तरह से एजीमुथल क्वांटम नंबर में आप देखेंगे दिगंसी क्वांटम नंबर, जो देख रहे हैं एन इजुकल टू 2, आप देख रहे हो यहाँ पर आपका न्यूक्लियस हो गया, फिर आपका 1 सब सेल, 2 सब सेल, तो एन इजुकल टू क्या हो गया? 2 हो गया। ये आपका क्या है? प्रिंसिपल नंबर, क्वांटम नंबर। इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे? टेल्स अस अबाउट द सब सेल। सब सेल अगर एल इजुकल टू 0, कैसे? एन इन -1, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, अगर ऑर्बिटल्स 1 है तो एल क्या होगा? 0 होगा। तो एल आपका क्या है? सब सेल है। तो बॉक्स में कैसे दिखाएंगे? जैसे आपको हम बॉक्स बनाते हैं, ये है आपका एस, पी, डी और एफ। तो एस में कितने सेल होते हैं? 1। पी में 3। क्यों होते हैं? आपको पता है कि एस के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो दो ही इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें, 1s2, 2s2, और पी में p1, p2, p3। तो इसके कितने बॉक्स बन जाएंगे? 3 बॉक्स बन जाएंगे। डी में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो हम कैसे फिल करते हैं इसमें? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इस तरह के ऑर्डर से हम अपने इलेक्ट्रॉन को फिल कर देते हैं। अब आते हैं हम एफ़ में। एफ़ में आप देख रहे हो कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, फिर हम इसमें इलेक्ट्रॉन रिपीट करेंगे, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन, एफ़ के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 14। तो अब फार्मूला आपको अच्छे से पता हो जाएगा कि नंबर ऑफ बॉक्सेस कैसे निकालेंगे या नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हम कैसे निकालेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 12+1, 12+1 करेंगे तो आपके नंबर ऑफ बॉक्सेस पता हो जाएंगे। ओके, अब आते हैं हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एम के। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर टेल्स अस अबाउट द ओरिएंटेशन एंड डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपका क्या बता रहा है? डायरेक्शन बता रहा है। आप देख रहे हो कि जब एक्सिस, एक्स एक्सिस आपकी क्या दिखा रही है? इधर पॉजिटिव दिखा रही है, और इधर क्या दिखा रही है? निगेटिव। वाई एक्सिस क्या दिखा रही है? इधर पॉजिटिव दिखा रही है, इधर निगेटिव। तो ये डायरेक्शन क्या शो कर रहा है आपका? ओरिएंटेशन। अब जैसे हम आते हैं एन पर, तो एन अगर 1 है तो इसकी वैल्यू कैसी होगी? माइनस एल भी होगी और प्लस एल भी होगी। तो एस क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगर एल की वैल्यू 1 है तो मैग्नेटिक क्या क्या हो जाएगी? माइनस 1 भी होगी और प्लस 1 भी होगी। एल की 1 वैल्यू है तो पी के कितनी वैल्यू हो जाएगी? 3 बॉक्स होते हैं पी में, एस में तो 2 ही होते हैं। अगर एम 2 हो जाएगा तो पी सब सेल में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? -1, 0, +1, ये आपके एस सब सेल में आ जाएंगे। आप नंबर देख करके भी बता सकते हो कौन से इलेक्ट्रॉन किस सब सेल में जाएंगे। जैसे डी सब सेल में जाने के लिए उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 5 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो वो कैसे जाएंगे? -2, एल एम के बता रहे हैं -2, -1, 0, +1, +2, ये जाएंगे आपके डी सब सेल में। एफ सब सेल में जाने के लिए उसके पास क्या होने चाहिए? 7 इलेक्ट्रॉन। तो
तो क्या हो जाएंगे ये -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, इस तरह के आप वैल्यू m की ज्ञात कर सकते हो।